नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग वीडियो को एडिट करते हैं सोनी वेगस प्रो 13 के अंदर। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग सोनी वेगस प्रो 13 सीखना चाहते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, उन लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ज़रूर देखें ये ट्यूटोरियल। ये सोनी वेगस प्रो 13 का ये वीडियो एडिटिंग सीखें का पहला भाग है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना सोनी वेगस प्रो 13 को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो फर्स्ट लुक सोनी वेगस प्रो 13 का कुछ इस तरह नज़र आएगा। आप देख सकते हो ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद यहाँ पे मेनू बार है, उसके बाद यहाँ देखें कुछ अलग अलग आपको विंडोज़ नज़र आएंगे, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखें एक ब्लैक रंग का विंडो है, जो व्यूअर विंडो है, जो भी वीडियो वगैरह हम प्ले करते हैं, ये काला स्क्रीन जो दिखाई दे रहा विंडो दिखाई देगा दे रहा है, ये व्यूअर विंडो है। उसके बाद नीचे नीचे देखेंगे, ये आपका टाइमलाइन विंडो है, नीचे देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप गौर करें तो यहाँ सबसे ऊपर है टाइटल बार, उसके बाद आपका मेनू बार, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे देखें अलग अलग पैनल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट मीडिया, और उसके बाद एक्सप्लोरर है, ट्रांजिशन है, अलग अलग पैनल्स है। जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका अलग अलग पैनल उभर कर आएगा। ट्रांजिशंस है, अलग अलग ट्रांजिशंस इफेक्ट्स है, वीडियो इफेक्ट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो इफेक्ट्स है। उसके बाद यहाँ पे आप मीडिया जनरेटर्स हैं, सब मैं आपको बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके बताऊँगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप याद रखें, वो सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे देखेंगे अलग अलग जो ये टैब दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट मीडिया का, इसको आप क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वीडियो क्लिप को लेकर आते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहले वीडियो क्लिप को लाएंगे, उससे पहले आपको अपना जिस फॉर्मेट में आप अपना वीडियो को एडिट करना चाहते हैं उसको आपको सेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक टाइटल बार के ठीक नीचे फाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू, फाइल में जाने के बाद न्यू में क्लिक करेंगे। करने के साथ न्यू प्रोजेक्ट का जो विंडो उभर कर आएगा कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ देखें वीडियो का है, यहाँ पे देखें टेम्पलेट, यहाँ भी HD फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे इसके ये जो टेम्पलेट का जो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके बॉक्स के ठीक डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखें अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। HD है, हाई डिफिनीशन वीडियो है, PAL है, NTSC है। जिस फॉर्मेट में आपको अपना वीडियो एडिट करना है, अगर इंटरनेट के लिए आप वीडियो तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग लेते हैं ये PAL DV 720x576 का 25 फ्रेम रेट है, पर सेकंड जो फ्रेम रेट चलता है वो दिख रहा है यहाँ पे, या वाइड स्क्रीन ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट। तो बेस्ट है अगर आप न्यू हैं तो ये PAL DV इस्तेमाल करें। और भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में अलग अलग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल बताऊंगा। तो PAL DV को सिलेक्ट करें, उसके बाद PAL DV यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे इसका विड्थ हाइट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पिक्सल फॉर्मेट, यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन रेंडरिंग क्वालिटी गुड रखें। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद ओके कर सकते, ओके पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब जो दूसरा काम है, हमें क्या करना है, एक वीडियो क्लिप को लेकर आना है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो भी वीडियो क्लिप जिसे आपको एडिट करना है उसे लेकर आना होगा। तो वीडियो क्लिप को लाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, दो तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आप कैप्चर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके से भी आप वीडियो क्लिप अपने CD या DVD वहाँ से भी ला सकते हैं, अपने कैमकॉर्डर से भी ला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइटल बार है, उसके बाद मेनू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ पे ये जो बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट मीडिया का बटन दिखाई दे रहा है, ये इंपोर्ट मीडिया का बटन है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट मीडिया का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये एक तरीका है, यहाँ से भी आप इंपोर्ट करके ला सकते। अदरवाइज़ दूसरा एक और तरीका देख लें, यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें इंपोर्ट का ये जो मीडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे मीडिया, इस पर आप क्लिक कर दें। दो तरीका मैंने आपको दिखाया, यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट मीडिया का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जिस ड्राइव में, चाहे आपका C हो, D हो, जिस ड्राइव में भी आपने अपना वीडियो क्लिप रखा है जिसे आपको एडिट करना है, वो आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे यहाँ संतोषी नाम से एक वीडियो फोल्डर है, उसके अंदर मेरा वीडियो क्लिप है, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो क्लिप आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। अब ये वीडियो क्लिप मुझे चाहिए, या सपोज़ ये वीडियो क्लिप मुझे चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके उस पैनल में आपका वो वीडियो क्लिप आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वीडियो क्लिप आ गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो नीचे जो अलग अलग टैब्स है, आपको प्रोजेक्ट अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वो वीडियो क्लिप दिखाई नहीं देगा, तो आपको प्रोजेक्ट मीडिया
को ऑन करके रखना पड़ेगा टैब को, तो आपको वीडियो क्लिप यहाँ पे दिखाई देगा। अब नीचे देखेंगे तो नीचे आपका ये टाइमलाइन विंडो है, टाइमलाइन जिस पे आपको वीडियो क्लिप को ला के रखना है और उसके बाद एडिट करना है। अब इसे क्या करना होगा ये भी देख लें, सिंपल है। जिस वीडियो क्लिप को आपको एडिट करना है आप पहले उसे इंपोर्ट करके लेकर आएँ, उसके बाद उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे और ड्रैग करते हुए टाइमलाइन का जो विंडो है इस पोर्शन में आप ला के इस तरह रिलीज़ कर दें। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डू यू वॉन्ट टू सेट योर प्रोजेक्ट वीडियो सेटिंग टू मैच दिस मीडिया, मतलब अलग अलग फॉर्मेट का ही वीडियो क्लिप रहता है तो उसको मैच करने के लिए यस कर दें। यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पे टाइमलाइन विंडो में आपका यहाँ पे देखें वीडियो क्लिप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें ये वीडियो, ये जो पहला जो ये जो ट्रैक है वो वीडियो के लिए है और नीचे वाला ट्रैक जो है ऑडियो क्लिप के लिए, ये वेव फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह हमें ट्रैक करके वीडियो क्लिप टाइमलाइन विंडो पे ला के रखना होता है। अब इसे प्ले करने का तरीका वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपने आप कीबोर्ड पे आप अपना स्पेस बार अगर प्रेस करेंगे तो वीडियो क्लिप प्ले होने लगेगा, अदरवाइज़ आप दूसरा तरीका भी देख लें। राइट हैंड साइड में देखेंगे ये जो विंडो है आपको जो ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा था वहाँ आपको वीडियो क्लिप वहाँ पे देखिए प्ले बटन है, यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वीडियो क्लिप प्ले हो जाए। ये देखिए यहाँ उसका राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा, यहाँ वॉल्यूम आपको ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है उसका, यहाँ मीटर भी है राइट हैंड साइड में, ऑडियो का मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका फ़िलहाल मैं ऑडियो थोड़ा सा लो कर देता हूँ ताकि मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे, उसके बाद मैं इसे प्ले करता हूँ। तो फिलहाल देखिए मीटर भी दिखाई दे रहा है, शो नहीं कर रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं इसे ऑडियो को ज़रा म्यूट कर दिया। तो ये वीडियो क्लिप ये प्ले हो रहा चल रहा है, उसके बाद यहाँ से आप इसको पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, ये मैंने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये टाइमलाइन स्क्रबर है, हल्का सा एक लकीर आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ देखिए आप ये प्ले हो रहा है, ये टाइमलाइन स्क्रबर ये चल रहा है देखिए यहाँ से। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये जो टाइमलाइन विंडो है, ये जो आपको टाइमलाइन विंडो है आप इसे ऊपर और नीचे इसको बढ़ा छोटा कर सकते हैं। अगर छोटा करना है इस तरह ऊपर ड्रैग करेंगे ऊपर इधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद जो भी विंडो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये व्यूअर विंडो है, आप इसे चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं इस तरह ड्रैग करके छोटा। उसके बाद आपका ये सोर्स विंडो है, इसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके, अकॉर्डिंग टू योर मतलब आप अपने सुविधा अनुसार इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे आप म्यूट ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टाइमलाइन विंडो है अगर आपको दिक्कत हो रहा है एडिटिंग करने में या वीडियो क्लिप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका साइज़ ज़रा इंक्रीज़ करना है टाइमलाइन विंडो का, तो उसके लिए नीचे देखेंगे बटन होगा राइट हैंड साइड में, नीचे कॉर्नर में देखेंगे बटन प्लस का दिया है, जूम इन करना है देखिए जूम इन करेंगे तो देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा ताकि आप एडिटिंग आराम से कर पाइए। देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जूम आउट का यहाँ पर दिया है देखिए, यहाँ पर ऊपर भी बटन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ऊपर नीचे इसका जो साइज़ है यहाँ से जो साइज़ जो इंक्रीज़ करना है, ये जो साइज़ आपको दिखाई दे रहा है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसका साइज़ और बड़ा करना है तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके राइट हैंड साइड में देखिए प्लस और माइनस का बटन दिया है जूम इन और जूम आउट का। अब इस वीडियो क्लिप को आपको अगर एडिट करना है तो उस जगह आपको टाइमलाइन स्क्रबर को रखना होगा, ये जो पतला लकीर है उस जगह प्ले करके ला के रख दें। उसके बाद इस वीडियो क्लिप को अगर काटना है दो हिस्सों में, अगर काटना है इसे एडिट करना है तो क्या करेंगे, दो तरीके दिखाता हूं मैं आपको। एक पहला तरीका है उस जगह पे आप टाइमलाइन को स्क्रबर, ये जो टाइमलाइन आपको लकीर दिखाई दे रहा होगा उस जगह आप ला के रखें इस तरह, रखने के बाद आप अपने माउस पॉइंटर उस जगह पर रखें और राइट क्लिक करेंगे तो देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन उभर कर आ जाएगा। यहाँ देखें अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ डिलीट है, ट्रिम स्टार्ट है, ट्रिम एंड है, स्प्लिट लिखा हुआ देखिए, स्प्लिट दिया हुआ और एस लिखा शॉर्टकट, अगर कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे तो आप वीडियो आपका कट जाएगा। स्प्लिट का मतलब दो भागों में वीडियो क्लिप को काटना, अगर मैं स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वीडियो क्लिप मेरा दो भागों में यहाँ पर देखिए कट गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वीडियो दो भागों में कट गया, यहाँ आप देख सकते हैं कट गया। और मैं फिर आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, दूसरा तरीका क्या करेंगे, इसको फिर अगेन काटना है तो एक और तरीका देख लें, उस जगह पे टाइमलाइन स्क्रबर को रखें। रखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देखें कुछ आपको बटन दिखाई दे रहा होगा यहाँ नीचे, ठीक टाइमलाइन विंडो है, ये आपका टाइमलाइन विंडो है यहाँ देख सकते हैं, उसके ठीक नीचे यहाँ पर देखें ये जो बटन दिया है यहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ देखिए, स्प्लिट सिलेक्टेड इवेंट एट द कर्सर पोजीशन, मतलब जिस जगह पे आपका टाइमलाइन स्क्रबर रहेगा, जिस जगह पे ये लकीर ये जो टाइमलाइन स्क्रबर जो रखा हुआ है टाइमलाइन का ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पतला सा लकीर आपको दिखाई देगा और उसके बाद उस जगह पे रखें और नीचे देखेंगे नीचे कुछ बटन आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे नीचे एकदम नीचे ठीक टाइमलाइन के ठीक नीचे ये देखिए स्प्लिट का ये बटन दिखाई देगा और लिखा हुआ भी आएगा इसके ऊपर स्प्लिट सिलेक्टेड इवेंट एट द कर्सर पोजीशन। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए वीडियो क्लिप दो भागों में यहाँ पे बट गया। अब जो पोर्शन मान लीजिए दोनों पहला कट दिया ये दूसरा कट दिया, अब ये पोर्शन मुझे नहीं रखना है, इस वीडियो क्लिप को मुझे नहीं रखना, सिंपल है उसके ऊपर क्लिक करें, करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा उस पर डिलीट कर दें। ये देखिए बीच में वो मिडिल पोर्शन यहाँ पे दो देखिए इस वीडियो क्लिप के बीचों बीच देखें वीडियो क्लिप नहीं है कट गया, उसे मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरह वीडियो क्लिप और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है उसे आप इस तरह ड्रैग करके पहले वाले हिस्से के साथ मिला सकते हैं। इस तरह ज़्यादा आप ज़्यादा आप चाहते हैं कि दोनों फेड इन फेड आउट मिक्स हो जाए, आप उसको ड्रैग करके इस तरह रख देंगे तो हल्का सा देखिए दोनों मिक्स हो जाएगा। इस तरह फेड इन फेड आउट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ और भी ऑप्शन देख लें, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट करना है मतलब सुपर इम्पोज करना है, एक वीडियो क्लिप को जब दूसरे वीडियो क्लिप पे रखते हैं और चाहते हैं कि पहला वाला हल्का सा लाइट आए उसका मतलब डिजॉल्व नज़र आए, तो आप इस वीडियो क्लिप के देखेंगे ठीक ऊपर आपको ब्लू रंग का एक बटन दिखाई देगा ओपेसिटी लिखा हुआ है, उसको आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो थोड़ा सा हल्का लाइट हो जाएगा धुंधला जैसा। उसके बाद दूसरे ट्रैक पे अगर वीडियो क्लिप ला के रखेंगे तो नीचे वाला वीडियो क्लिप आपको दिखाई देने लगेगा, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। उसके बाद फेड इन फेड आउट एकदम ठीक एंड पोर्शन में देखें फेड आउट दिया हुआ मतलब हल्का सा आपको वो वीडियो क्लिप आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ब्लीन हो जाएगा, वो फेड आउट हो जाएगा। फेड इन मतलब हल्का सा लाइट आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वीडियो क्लिप दिखाई देने लगता है, तो वो फेड इन फेड आउट आप स्टार्टिंग पोर्शन में ही कर सकते हैं। इस तरह ड्रैग कर देंगे आपको एक हैंडल दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे फेड आउट का हल्का सा, अभी तो आपको जब जैसे ही हम एंडिंग पे लाएंगे यहाँ पे वीडियो क्लिप ऑफ हो जा रहा है, हम चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसे फेड आउट करना, इस तरह ड्रैग करेंगे मतलब ये होता है कि हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वीडियो क्लिप आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब ये फेड इन यहाँ पे हैंडल दिखाई देगा ठीक वीडियो पोर्शन के ठीक एंडिंग पोर्शन में ओपेसिटी है, उसके बाद ठीक यहाँ पे देखिए फेड आउट का आपको हर वीडियो क्लिप के एंड में आपको फेड आउट का एक छोटा सा आपको एक आइकन दिखाई देगा, सिर्फ उसे इस तरह ड्रैग कर देना। उसके बाद अगर मैं ये वीडियो क्लिप को प्ले करता हूँ तो देखिए इस तरह आपको लकीर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से मैं प्ले करता हूँ इसे मैं ये मैंने प्ले किया वीडियो क्लिप को, ये देखिए यहाँ से वो वीडियो क्लिप फेड आउट हो गया। फिर से आप देख लें इस वीडियो क्लिप को कैसे फेड आउट करते हैं, ये देखिए ये देखिए ये हल्का आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरे में ब्लीन हो गया मतलब फेड आउट हो गया। तो इस तरह हम फेड इन फेड आउट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो क्लिप है इसका जो ऑडियो है मुझे नहीं रखना है तो क्या करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, ऑडियो को कैसे अलग करेंगे, अगर ऑडियो नहीं रखना चाहते हैं इस वीडियो क्लिप के साथ, अगर ऑडियो है आप चाहते हैं कि नहीं ऑडियो नहीं चाहिए मैं दूसरा ऑडियो ऐड करूँगा, तो इसके साथ जो ऑडियो नीचे का जो पोर्शन है नीचे का जो ट्रैक है वो ऑडियो का ट्रैक है वेव फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहते हैं इसे आपको डिलीट करना है तो सिंपल है वीडियो क्लिप पर राइट क्लिक करें, उसके बाद ऑप्शन उभर कर आ जाएगा, यहाँ पे देखें ग्रुप 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 आएगा, नीचे स्विचेस दिया है टेक दिया है फिर ग्रुप ग्रुप में जाके रिमूव फ्रॉम दिया हुआ, देखिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम पे क्लिक कर दें। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा देखिए इसका ऑडियो देखिए देखिए आप ऑडियो को वीडियो से अलग इस तरह आप ड्रैग करके लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, ऑडियो को भी यहाँ से आप मूव कर सकते वीडियो को भी मूव कर सकते हैं। देखिए अब सपोज़ इसका ऑडियो मुझे नहीं रखना है तो ऑडियो पे क्लिक करें राइट क्लिक करके उसके बाद इसे डिलीट कर दें, इसका देखिए यहाँ पे इसका नीचे का ऑडियो चला गया, देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप के साथ इसका नीचे वो ऑडियो है और इसका देखिए इस वीडियो क्लिप के साथ इसका ऑडियो नहीं है, सिंपल है। फिर से देख लें अगर मान लीजिए आप चाहते हैं इसका ये जो वीडियो क्लिप है इसका ऑडियो आपको नहीं रखना है तो दोनों को अलग कैसे करेंगे, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ देखिए दोनों साथ में मूव कर रहा है, और मैं चाहता हूँ इसका ऑडियो नहीं रखना है तो सिंपल है उसको वीडियो क्लिप के ऊपर माउस पॉइंटर रखें और राइट क्लिक करें, उसके बाद नीचे ऑप्शन उभर कर आ जाएगा बहुत सारा, उसके बाद यहाँ जाएंगे नीचे ग्रुप ग्रुप में जाने के बाद रिमूव फ्रॉम दिया हुआ है रिमूव फ्रॉम पे क्लिक कर दें, रिमूव फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद ऑडियो वाला जो ये है ट्रैक है उसके ऊपर जो ऑडियो दिखाई देगा उसको क्लिक करें और राइट क्लिक करके डिलीट हटा दें। अब देखिए सबका ऑडियो चला गया, आप चाहें तो न्यू ट्रैक भी ले सकते हैं, नया एक्स्ट्रा का ट्रैक लेना सिंपल है, आप टाइमलाइन विंडो पे जो वीडियो ट्रैक उस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन उभर कर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ देखें इंसर्ट वीडियो ट्रैक लिखा हुआ, देखिए इंसर्ट वीडियो ट्रैक उसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सी प्लस क्यू, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए एक और वीडियो क्लिप यहाँ पर वीडियो ट्रैक आ गया ऊपर, तो यहाँ पर देखिए पहला एक वीडियो ट्रैक है उसके बाद फिर एक वीडियो ट्रैक है
उसके बाद उसका ऑडियो ट्रैक है, तो इस तरह हम लोग ऑडियो वीडियो ट्रैक भी ला सकते हैं। तो इस तरह हम लोग वीडियो को एडिट करते हैं, वीडियो को काटते हैं, स्ट्रीम करते हैं। तो आई होप आपको ये पहला भाग आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये पहला भाग है, आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं दूसरे भाग भी और बहुत कुछ बताऊंगा सोनी वेगस प्रो 13 के लिए। 13 मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।